देखो दीदी, मछली टॉनिक बनावे में बहुत आसान तरीका है। मात्र 3 सामान लगा है। यो तीनों सामान घरे में मिल जाए। देखो दीदी, ये 1.5 किलो गुड़ है। ये देखो दीदी, 1.5 किलो मछली का कचरा है। ये आखिरी सामान है, मट्टी के बर्तन। देखो दीदी, मट्टी के बर्तन में सबसे पहले हम 1.5 किलो गुड़ डाल रहे हैं। अब एक 1.5 किलो मछली के कचरा डाल रही है। मछली के कचरा और गुड़ डाल दिलिए है। अब एक बढ़िया से मिला देवी। देखो दीदी, अब एक बढ़िया से झाक देवी। झाक के एक छाहूर जगह में 10 दिन लगी रख देवी। अच्छा दीदी, तो एकरा छिड़काव कैसे करबे? देखो दीदी, एकरा 10 दिन के बाद सूती कपड़ा से छान ले। काहे लगी जे भी कचरा कुचरी गल्ला के बाद रह जाए जो छना जीते ओकर बाद एगो डिब्बा में रख देबह। एकरा छिड़काव करे लगी 1 लीटर पानी लेबह आ 5 ml दवाई लेबह आ 1 बाल्टी लेबह। आधा घंटा तक बाल्टिया में दवाइया के घोरते रहो। देखो बढ़िया से घोरा गए तो छिड़काव करे वाला मशीन में डाल देबो आ ओकर बाद सवेरे के छिड़काव करबो। देखो दीदी, ये जो टॉनिक है ये पौधा में डाले से 3 फायदा करा है। पहला फायदा करा है कि पौधा के बढ़ावे में जल्दी रहा है। दूसरा फायदा है कि फल फूल बढ़िया रहा है। तीसरा फायदा है कि कीड़ा उड़ा नहीं लगे दे। एक तरह से कीटनाशक टॉनिक है। अच्छा दीदी, तो एकरा छिड़काव कितना कितना दिन में करबो दीदी? देखो दीदी, एकरा 8 दिन में 1 बार डालना है सवेरे के टाइम में।